नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एक्सपर्ट्स हब में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET एग्जाम्स को लेके। CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, ये दोस्तों NTA द्वारा इसके एग्जाम्स कराए जाते हैं, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रेगुलेट की जाती है। दोस्तों इसके अंदर 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 46 अदर इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा CUET के लिए। अगर आप चाहते हो ग्रेजुएशन करना या PG के कोर्सेज करना, तो आपको पहले CUET के एग्ज़ाम्स देने होंगे, उसके बाद आपके कट ऑफ डिक्लेयर होंगे, फिर यूनिवर्सिटीज़ जो भी सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन सेलेक्टेड हैं, वो अपने कट ऑफ डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा आपके डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी या डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूशन में। तो उसके लिए क्या करना है आपको, क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करें हमारे CUET में कौन कौन से कोर्स ऑफर हो रहे हैं। तो हमारे अंडर ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्स हैं, BA हो, BSc हो, BA LLB हो, या फिर कोई भी BCOM तक, यहाँ तक कि कई इंस्टीट्यूशन तो अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से BTech करने का भी ऑफर दे रहे हैं। और अगर आप चाहते हो ये BA करना या BSc करना या जो भी आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको CUET का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। CUET का एग्ज़ाम क्लियर करते ही आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो जाता है। सबसे पहले CUET एक क्रिटेरिया है जिसको आपको फॉलो करना है, यानी कि ये एक नेसेसरी क्रिटेरिया है जिसको आप पहले एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आपका कट ऑफ डिक्लेयर होगा, फिर यूनिवर्सिटीज़ अपने कट ऑफ डिक्लेयर करेगी कि हाँ इस कट ऑफ के बच्चे हमारे यहाँ काउंसलिंग करा सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम ले तो मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बन रहा है 90-100, तो जो बच्चों का परसेंटाइल 90-100 बनेगा वो अपनी काउंसलिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में करा सकते हैं। वहीं अगर आपका परसेंटाइल 89 बन रहा है और कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का 90% से ऊपर है, तो आप उसमें काउंसलिंग नहीं करा सकते हो। तो आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपके जो कॉलेज कट ऑफ डिक्लेयर कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ कट ऑफ अपने डिक्लेयर कर रही है, उसमें आप एडमिशन इजीली ले सकते हो। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या उसमें सेलेबस है, क्या कोर्सेस है, वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। हालांकि अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग सेलेबस, अलग अलग पैटर्न्स हैं। अगर मैं एक ओवरव्यू की बात करूं तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए या कोई भी वेबसाइट पे आप जाइए, उसकी PDF डाउनलोड कीजिए, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर दीजिए। बात करें दोस्तों इसकी एज क्रिटेरिया की, तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको CUET एग्जाम में अपियर होने के लिए, वो है आपका क्लास 12th। यानी कि अगर आप क्लास 12th पास कर चुके हो तो आप किसी भी CUET का एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। जरूरी नहीं कि आप 58 साल के हो या 18 साल के हो, कोई भी एग्ज़ाम इसको दे सकता है, कोई भी एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बात करें दोस्तों CUET एग्ज़ाम के चांसेस के बारे में, तो आपको साल भर में पूरे साल में एक बार चांस मिलेगा CUET के एग्ज़ाम को देने का। आपने एक साल में CUET का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर ही इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपको अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए आपका कट ऑफ कम रह गया 1 परसेंटाइल या 2 परसेंटाइल से, उसके लिए दोस्तों आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा। या तो कंप्रोमाइज़ करके दूसरे यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाइए, या तो आप और मेहनत करके नेक्स्ट ईयर अपना परसेंटाइल बढ़ा के और चाहते हैं तो आप अगले साल यूनिवर्सिटीज़ में एड सिलेक्शन ले सकते हो। दोस्तों आप अगर चाहते हो इस CUET एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स को समझना, तो सबसे पहले तो आप एक सैम्पल पेपर डाउनलोड करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको नॉर्मली मैं CUET एग्ज़ाम पेपर बताऊं तो उसमें आपको 175 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं 140। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, उसमें 0.25 की माइनस मार्किंग भी है। यानी कि अगर आप ये गलत आंसर टिक करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स घट जाएगा। तो ऐसे कुछ एग्ज़ाम पैटर्न हैं CUET के। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दोस्तों ये है कि क्या हम लोग CUET से BTech जैसी डिग्रियां भी ले सकते हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ, आप ले सकते हो, यहाँ तक कि आप मेडिकल डिग्रीज भी ले सकते हो। पर उसके लिए दोस्तों ज़रूरी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज ये ऑफर ही कर रहा हो कि आप BTech या जो भी हो अपने मेडिकल डिग्री ले सकते हो। आपको देखना पड़ेगा उसके सेलेक्टेड लिस्ट में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको क्या क्या ऑफर कर रही हैं, कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रही है CUET के द्वारा। तो ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो आपको सिंपली एलिजिबल होने के लिए क्लास 12th पास होना चाहिए, और आपका एज क्रिटेरिया इसमें कोई मायने नहीं रखता। आप किसी भी एज के हों, किसी भी वर्ग से आप बिलोंग करते हों, ये आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। कट ऑफ जानने के लिए सिंपली आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखिए,
प्रीवियस ईयर कट ऑफ अगर आप उठाकर देखते हो तो उससे 1-2% इधर उधर होने के चांसेस रहते हैं। तो ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट बन जाता है जो सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है अपने मनपसंद यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन होने का। एक चीज इसकी दोस्तों मुझे अच्छी लगी है, जो वाकई में सबको मुझे लगता है अच्छी लगनी चाहिए, कि इसमें आपको क्लास 12th के परसेंटेज पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। आपको जो भी करना है, जो भी स्कोर करना है, आपको CUET में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें अगर आपने अच्छा स्कोर किया, अगर आप रियली में एलिजिबल हो किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, आप चाहते हो किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो आपके 12th के परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं। परसेंटेज जो मायने रखते हैं, जो परसेंटाइल मायने रखता है, वो CUET के एग्जाम्स का। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, अपने सारे पोटेंशियल्स को इकट्ठा करके तैयारी करिए CUET की। बाकी मेरी तरफ से आपको बहुत सारा गुड लक, ऑल द बेस्ट। आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करिए और CUET जैसे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाके अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में आप अपना सिलेक्शन करवाइए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।